वहीं मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। इसी कड़ी में सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर रजनीश सिंह ने बीजेपी विधायक राकेश पाल सिंह के धमकी वाले बयान पर जवाब दिया और कहा कि बीजेपी विधायक राकेश पाल सिंह बाहुबली हैं और अगर उन्होंने मेरे को कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी रक्षा गांव की जनता करेगी। बता दें कि केवलारी से बीजेपी विधायक राकेश पाल सिंह ने कुछ दिनों पहले एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के गांव में घुसकर कोहराम मचाने की धमकी दी थी। मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से मेरे साथियों ने मुझे अवगत कराया है और उन्होंने धमकी दी है कि वो बर्रा में आकर कोहराम मचाएंगे। हमारी इतने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय पिताजी के समय से लेकर अभी तक कभी ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं रही कि हमने कभी ऐसा कोई डराने धमकाने का या बाहुबल का कोई काम किया हो। हमने तो सहजता, विनम्रता और आशीर्वाद लेकर लोगों के बीच में सरलता से अपनी उपलब्धता देकर हमने विश्वास कायम किया है, भरोसा कायम किया है। और उन्होंने एक वीडियो में मैंने भी देखा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी दिया है कि मैं कोहराम मचा दूंगा करके। तो अब देखते हैं, मैं तो सहज और सरल ढंग से अपने गाँव में ही ग्रामवासियों के बीच में रहता हूँ,